आपको बताते हैं कुछ डिटेल्स कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आखिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये क्यों इतनी संवेदनशील है। जरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या है ये एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल। 3488 किलोमीटर लंबी इस रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन के नियंत्रण वाले इलाके हैं। भारत एलएसी को इतनी लंबाई की मानता रहा है, लेकिन चीन केवल 2000 किलोमीटर की ऐसी किसी रेखा को तवज्जो देता है। इसके अलावा आप देखिए 1962 के युद्ध के बाद की स्थिति को एलएसी के रूप में समझा जाता है, जो तीन हिस्सों में बटी है, अरुणाचल और सिक्किम वाला पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड और हिमाचल वाला मध्य मार्ग और लद्दाख वाला पश्चिमी भाग। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको ये आइडिया हो कि आखिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ये ट्रांसग्रेशन होते हैं तो ये बार बार इस तरीके के ट्रांसग्रेशन क्यों होते हैं। गलवान में आपने देखा था कि हमारे जो भारतीय सैनिक थे लगभग 20 जवान उस समय मारे गए थे, और उसके बाद बहुत सारी मिलिट्री लेवल टॉक्स भी हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उन टॉक्स के कोई मायने नहीं है। कभी कभी एस्केलेट करती है चीजें, फिर डीएस्केलेशन होता है और अब फिर से ये पूरा मामला सामने आया है।